इसलिए स्टूडेंट्स एंटरप्रोरियल मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से प्रोक्टिवली एंड अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते उनको रिटेन करने के लिए अपनी गुड्स और सर्विसेज को इनोवेट करते और अपनी जो कस्टमरशिप है या मार्केट शेयर है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करते ये एक कॉन्शियस फॉर्मल एक्टिविटी है इसलिए स्ट्रेटजिक प्लानिंग का आखिरी स्टेप के तौर पर हम इसको एनालाइज करेंगे कि एंटरप्रेन्योरियल मार्केट जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में क्यों और किस तरह से इम्पोर्टेंट है ट्रेडिशनल जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो अमूमन कस्टमर फोकस्ड होती हैं कि कस्टमर कौन हो सकता है डिमांड कहाँ है वो कितना पे कर सकता है टॉप डाउन होती हैं यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या बिज़नेस ओनर्स जो हैं वो इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी और अमूमन ये स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो रिसर्च बेस्ड फॉर्मल स्ट्रेटजीज़ होती हैं कि बाकायदा फॉर्म्स हायर की जाती हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए जो कस्टमर्स पर रिसर्च करती हैं प्रोडक्ट इनोवेशन पर रिसर्च करती हैं एडवर्टाइजिंग और इस तरह के कामों पर और फिर बिजनेस जो हैं उन स्ट्रेटजीज़ को अपना लेते हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में मार्केटिंग जो है वो थोड़ी सी फर्क है एक तो ये बॉटम अप है कि चूंकि सोशल एंटरप्रेन्योर लोगों के दरमियान काम करते हैं उनके लिए वो सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो हैं वो कर रहे हैं उनका फीडबैक साथ साथ मिलता है और उनकी सर्विस या प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस या उसकी डिमांड मुनहसर ही इस बात पर है कि उन्हें बेनिफिशरीज से या कस्टमर से फीडबैक क्या आता है तो ये बॉटम अप अप्रोच है ये इनोवेशन फोकस्ड है कस्टमर फोकस्ड नहीं है कस्टमर बेशक वही रहें लेकिन अगर आप अपनी प्रोडक्ट को अपनी सर्विस को इस तरह इनोवेट कर सकें कि आप किसी और के कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो यूज़ करते हैं और ऑफ़ कोर्स ये इनफॉर्मल है सोशल एंटरप्रेन्योर्स के पास अमूमन इतने रिसोर्स नहीं होते कि वो मार्केटिंग फॉर्म्स को हायर करें फॉर्मल डेटा कलेक्शन कराएं लोगों के ट्रेंड्स पर लोगों के टेस्ट पर लोगों की डिमांड और उनकी ज़रूरियात पर उनकी परचेजिंग पावर पर वो ऑन द गो देखते हैं कि कहाँ ज़रूरत है कौन लोग हैं जो उनकी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए नीडी हैं या उनकी कोई डिमांड फुलफ़िल होती है या उनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है सोशल एंटरप्रेन्योरियल जो मार्केटिंग है इसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के लिटरेचर में बाज ऑथर्स ने गोरीला वारफेयर से भी तशबी दी है जैसे अगर आप थोड़ा सा भी आपको हिस्ट्री या वॉर हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो तो आपने नोट किया होगा कि गोरीला वारफेयर जो है उसमें अमूमन कोई ग्रुप जो है वो जंग जीतता नहीं है बेसिकली वो अपने दुश्मन को अंगेज करता है अपने कंपटीटर को एंगेज करता है और कम्पैटिटर जो है वो जंग हारता है बिल्कुल इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में मकसद किसी को मार्केट से बाहर करना उसका शेयर कैप्चर करना उसको ख़त्म करना नहीं है क्योंकि सारे कंपेटिटर्स जो हैं वो सोशल कॉज के लिए काम कर रहे हैं तो सोशल एंटरप्रेन्योरियल जो मार्केटिंग है उसके सिक्स प्रिंसिपल्स हैं बेस्ड ऑन दिस आइडिया ऑफ कुरीला वाफेयर पहला जो है उसमें प्रिंसिपल है वो यूजिंग अनकन्वेंशनल टेक्टिक्स है जैसे हमने बात की कि ग्रीला वारफ़ेयर में गुरीलाज जो हैं वो जंग जीतते नहीं हैं बल्कि उनके कम्पैटर्स भाग भाग के उनके पीछे जंग हार जाते हैं बिल्कुल इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योर्स हेडस ऑन कम्पीट नहीं करते अपने दुश्मन नहीं बनाते बासुका तो वो फील्ड में मौजूद जो उनके और काउंटर पार्ट्स या कम्पटर्स हैं उनके साथ एक्चुअली कोऑपरेट करते हैं उसकी एक बेहतरीन मिसाल जो है वो औरतों औरतें एक बेनिफिशियरी ग्रुप हैं एक डिसएडवांटेज पॉपुलेशन है और बहुत सारी मुख्तलिफ सोशल इंटरप्रेन उनके लिए काम कर रहे हैं उनकी अपलिफ्ट और वेलबींग के लिए ऐसे में दो सोशल इंटरप्रियोर्स एक बेनिफिशरी ग्रुप के हवाले से आपस में कंपेटर्स हैं लेकिन अगर माइक्रो फाइनेंस का काम करने वाले इंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अगर जेंडर डिवेलपमेंट या व्यूमेन राइट्स पर काम करने वाले इंटरप्रेन के साथ कोऑपरेट करते हैं तो दोनों के लिए एक तरह से विन विन सिचुएशन हो जाती है औरतों के हकूक़ के लिए काम करने वाले जो हैं उनके पास उनकी बेनिफिशियरी ग्रुप की फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर हो जाती है वो अपने वॉइस जो है उसको रेज़ कर सकते हैं अपने बाकी हकूक के लिए माइक्रो फाइनेंस पर काम करने वाले लोग जो हैं उनको ज़्यादा प्रोएक्टिव ज़्यादा एम्पावर्ड ज़्यादा अवेयर औरतें जो हैं वो माइक्रो फाइनेंस लोन्स लेने के लिए मैसर होती हैं तो एक अनकन्वेंशनल वे है कम्पीट करने का आपस में कोऑपरेट करके दूसरा जो प्रिंसिपल है वो चेंजेस को रिस्पोंड करने की स्पीड है बिजनेसेस जो हैं वो भी अगरचे अब वहाँ भी चेंजेस को रिस्पोंड करने की स्पीड बढ़ गई है पहले कभी कोई फॉर्म जो है वो सालों डे होती रहती थी और फिर वो डिफ़ॉल्ट करती थी अब ओवरनाइट पता चलता है कि फ्लां बिज़नेस से बाहर हो गया लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से चेंज को रिस्पोंड करने की जो स्पीड है या जो उसकी कैपेसिटी है सोशल इंटरप्रेन की वो बहुत इम्पोर्टेंट मार्केटिंग प्रिंसिपल है जितना सोशल एंटरप्रेन्योर फ्लैक्सीबल जितना ओपन टू चेंज होगा जितनी तेजी से वो नीड को असेस करके उसके अकॉर्डिंगली अपने ऑपरेशन को एडजस्ट करेगा उतना ही उसके कामयाब होने के चांसेस और उसके सोशल इम्पेक्ट के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं तीसरा प्रिंसिपल जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मार्केटिंग में वो इम्प्रोवाइज़ करने का है चीज़ों को इनोवेट करने का इनफैक्ट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट इनोवेशन तो आपके कंपेटिटर्स भी काम कर रहे हैं आप भी काम कर रहे हैं वही सर्विस कोई और भी दे रहा है आप भी दे रहे हैं तो आप क्या ऐसा करें कि मार्केट शेयर जो है उसको ज़्यादा कैप्चर कर सकें आप इनोवेट करते हैं आप या प्रोडक्ट को इनोवेट करते हैं या सर्विस को इनोवेट करते हैं या ऑपरेशंस को इनोवेट करते हैं या जो आपका टारगेट बेनिफिशरी ग्रुप है उसको जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट है उसके हवाले से इनोवेट या इम्प्रोवाइज करते हैं चौथा जो प्रिंसिपल है वो स्ट्रेटजिक अलाइंसिस का है हमने पहले भी बात की अनकन्वेंशनल टेक्टिक्स के हवाले से कि सोशल एंटरप्रन्योर्स जो हैं वो स्ट्रेटजिकली अलायंसिस या पार्टनरशिप्स बनाते हैं कि काम की किस स्टेज पर उन्हें किस किस्म के पार्टनर्स की ज़रूरत है किन लोगों के साथ अलायंस करने की ज़रूरत है मुमकिन है वो लोग उनके हार्ड कोर हों लेकिन सोशल कॉज को आगे बढ़ाने के लिए सोशल इम्पेक्ट को ज़्यादा करने के लिए वो एक खास टाइम फ्रेम में उनके साथ इतिहाद कर लेते हैं अलायंस बना लेते हैं बाद में दोनों पार्टनर्स जो हैं वो अलग होकर अपना अपना काम करते रहते हैं फिर सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके मार्केटिंग प्रिंसिपल्स में डिमांड को बढ़ाना जो है वो शामिल है ये पब्लिक कॉन्शियसनेस अवेयरनेस रेजिंग के ज़रिए से ये सोशल मीडिया टूल्स को इस्तेमाल करते हुए सोशल प्रॉब्लम्स को हाई करके लोगों की नीड्स पर बात करके उनकी किसी ख़ास चीज़ के लिए किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए वो डिमांड को बढ़ाते हैं फिर उनका जो इम्पेक्ट है वो ज़्यादा होता है सिक्स्थ प्रिंसिपल जो है वो ब्रेकिंग द बाउंड्रीज़ है और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में यह की प्रिंसिपल है अगर आप सेफली जो काम वाटर्स हैं एक पुरस्कून माहौल है जिसमें सब कुछ फेमिलियर है वहाँ काम कर रहे हैं तो जो इम्पेक्ट होगा उसकी नस्बत जो अनचार्टेड वाटर्स हैं वो अन्बिगस एरियाज जहाँ आपको कुछ पता नहीं है क्या चैलेंजेस हैं वहाँ अगर आप रिस्क लेते हैं तो जिस तरह से वो रिस्क पे ऑफ करते हैं कोई कंपैरिजन नहीं है सोशल एंटरप्रेन्योर्स यूजुअली बीइंग इनोवेटिव बीइंग आइडिया थिंकर्स और एंटरप्रेन्योर्स uh, वो अनचार्टेड वाटर्स और रिस्क फैक्टर्स की तरफ जाते हैं रिस्क लेते हैं जो उनके लिए उनके बेनिफिशरीज दोनों के लिए पे ऑफ करता है थैंक यू